हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करण बावसर में। और आज मैं जाने वाला हूँ हेरिटेज रूट पे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, लेट्स गो। सामने आप देख रहे हैं वो एंट्रेंस है कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर का, काफी साल पुराना ये गेट है, खिले लगे हुए हैं यहाँ पे गेट पे। अभी हम कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के बीच में खड़े हैं, जहाँ से आप देख सकते हो पूरी काफी साल पुरानी ये बिल्डिंग्स है, और बीच में यहाँ पे स्वामीनारायण चौक है, और सामने है स्वामीनारायण मंदिर, जहाँ पे कालूपुर के बाजू में ही ये अभी उत्तरायण आ रही है, तो डोरी रंगने का काम शुरू हो गया है। अभी हम जा रहे हैं हेरिटेज मॉर्निंग वॉक पे। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया है जो है दलपत राम चौक। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन जो कि है कवि दलपत राम चौक, जो 19th सेंचुरी से काफी फेमस पोएट थे। और पीछे आप देख रहे हैं वो है उनकी मूर्ति, और ये है उनका रेसिडेंट जो यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे है एक तुलसी का क्यारा, काफी पुराना है। यहाँ पे है ये कवि दलपत राम का स्टैचू, जो कि मेडिटेशन कर रहे हो ऐसे रखा गया है, और उनके हाथ में वो पोएट थे इसीलिए है बुक। कभी आप गुजरात आओ तो ये हेरिटेज रूट का ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे है हेरिटेज रूट का पूरा मैप कि कौन से पॉइंट कवर करने हैं, वो यहाँ पे गुजरात टूरिज्म ने उसका साइन बोर्ड लगाया हुआ है। अभी हम हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अभी हम हमारे थर्ड डेस्टिनेशन जो कि है कैलिको डोम जा रहे हैं। सामने है कैलिको डोम। अभी हम है कैलिको डोम पे, जो कि गौतम साराभाई ने ये कैलिको डोम डिज़ाइन किया था, जो 1962 से 1990 तक ये कैलिको डोम यहाँ पे था। और यहाँ पे आप देख सकते हो शोरूम, यहाँ पे दुकानें थी और नीचे शोरूम था। पर अभी 2001 में जब भूकंप आया तो यहाँ पे जो डोम था वो पूरा गिर गया, और अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, पर ये हेरिटेज रूट में अभी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब पिलर्स हैं, एक दो, वहाँ सामने तीन और चार, ये चार पिलर्स थे। पिलर्स पर पूरा डोम बनाया गया था, जो अभी बारिश और अर्थक्वेक के कारण अभी है नहीं उसकी जगह पे। पहले यहाँ पे शोरूम हुआ करता था जब कैलिको मिल चल रही थी। ये यहाँ पे एंट्री है। अभी मैं आया हूँ खारा कुआनी पोर, जहाँ पे कांच का जैन देरा सर है। यहाँ पे ये है जैन देरा सर। सो अभी हम आए हैं संभवनाथ जी जैन देरा सर में, जो कि काफी पूरा सर है, और यहाँ पे है कुछ अच्छी सी डिजाइन की हुई है ऊपर। तो अभी हम आए हैं काला राम जी मंदिर, जो कि हाजा पटेल पोल के पास है, जहाँ पे भगवान राम जी की मूर्ति है। काले पत्थर में बनाई गई है मूर्ति, इसीलिए इसे काला राम जी मंदिर कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं काला राम जी मंदिर की ओर, और यहाँ पे आया ये काला राम जी मंदिर। ये परिसर है, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं बाद में अंदर आते हैं, तो आता है ये काला राम जी का मंदिर। काफी पुराना है ये मंदिर।
सो सामने है काला राम जी मंदिर की मूर्ति। ये काला राम जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि काले पत्थर से बनाई गई है, राम लक्ष्मण और सीता जी है। काफ़ी अच्छा है ये मंदिर, अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं भी काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे आया हूँ। अभी हम आए हैं हाजा पटेल की पोड़ में, और जहाँ पे पीछे यहाँ पे है काला राम जी का मंदिर, और ये है पूरी पोल का नज़ारा। अभी सुबह 9 बजे है, ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे आप सामने फ़ोटोशूट भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी पुराना एक दरवाज़ा है, अभी तो बंद है, देखते हैं अंदर क्या है। ये किसी का घर लगता है, काफ़ी पुराना है। हम जा रहे हैं शांतिनाथ जी मंदिर, जो कि हाजा पटेल की पोड़ के अंदर है। पे है दो क्यूट से छोटू मोटू। सो अभी हम हैं शांतिनाथ की पोल में, यहाँ पे बैठने के लिए ओटला बनाया गया है, और सामने है चबूतरा। आप यहाँ पे आओ तो ये पारंपरिक जो जीवन शैली है वो दिखाती है। यहाँ पे आप काफ़ी एनिमल्स रास्ते में पाओगे, और ये मकान पे काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन किया है। सो ये है शांतिनाथ की पोल, जहाँ पे काफ़ी सारे पुराने ऐसे पोल में जो मकान होते हैं वो है, जिसे हेरिटेज मकान बोलते हैं। तो सामने है चबूतरा, और यहाँ पे एंटर हो तो ये है शांतिनाथ जी का डेरा सर। यहाँ पे अभी बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। मेरे साथ है जय, जो हमें ले जा रहा है कुआवाड़ा नो खाचो। अभी हम जा रहे हैं कुआवाड़ा नो खाचो, ये खाचो बोलते हैं ये छोटा सा पैसेज इसीलिए। तो अभी हम आ गए हैं कुआवाड़ा नो खाचो। थैंक यू। यहाँ पे काफी सारी बुक्स रखी है, और ये छोटा सा पैसेज है जहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। और ये पूरा पैसेज जो है उसे कुआवाड़ा खाचो बोलते हैं। तो ये जो खाचा है पैसेज है, यहाँ पे काफी सारे मूवीज के शूटिंग भी होते रहते हैं। तो अभी हम है कुआवाड़ा खाचो में, और जहाँ पे चार अलग अलग संस्कृति के घर है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो कौन सा है? गुजराती संस्कृति का। ये जो घर है वो गुजराती संस्कृति का घर है, और उसके बाजू में है, देख सकते हैं, वो मुगल संस्कृति के टाइम से बनाया गया घर है। ओके। और अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं वो यूरोपियन स्टाइल का घर है, यानी सभी पूरा आपको फ्लैट दिखेगा, और ये जो भी बालकनी वो सब है वहाँ से आप वो सामान्य कुछ भी है एक साथ में अंदर ले जा सकते हैं। और ये है पूरा मराठा टाइप का, अगर आप देख सकते हैं उसके डोर पे, वहाँ पे आप मुगल संस्कृति का जैसा मुंह है ऐसा मुंह बनाया गया है। अभी थोड़े समय पहले ही एक मूवी आई थी जिसका नाम था मित्रों, उसका शूटिंग भी यहाँ पे ही हुआ था। जगह पे आए हैं उसे बोलते हैं पैरट होल्स। यहाँ पे ऐसे घर बनाए हैं कि जहाँ पे पैरट्स रह सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पीछे कैसे पैरट्स के लिए होल्स बनाते हैं घर में ही, ताकि यहाँ पे ये आजू बाजू कोई भी झाड़ या वृक्ष नहीं है, इसीलिए ये ऐसे होल बनाते हैं, इसे बोलते हैं पैरट होल्स। यहाँ पे पानी भी रखते हैं ताकि ये छोटे छोटे स्क्विरल्स जैसे
यहाँ पे पानी पी सके। सो अभी हम पैरट्स होल पे है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पैरट्स है, जो कि वो जैसे कि वो आप देख सकते हो वहाँ पे जो होल बनाया है वहाँ पे रहते हैं। तो ये था पैरट हॉल्स और हम जा रहे हैं आगे। ये छोटा सा पैसेज है यहाँ पे, आगे देखते हैं क्या आता है। हम आए हैं सिमंदर स्वामिनी खड़की जिसे बोलते हैं, यहाँ पे सब रहते हैं ऐसे। सो रास्ते में जाते ही एक हवेली आती है, यह है हवेली जिसका नाम है डोडियानी हवेली। यहाँ पे काफी बड़ा ये गेट है और इसमें है छोटी सी एंट्री, यहाँ से आप एंटर हो सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट हेरिटेज रूट पे, और यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बनाया है, ये है ब्रिज, आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो। और यहाँ पे है दूसरी वाड़ानी पोर, छोटी शॉप है, और ये है मामानी पोल। यहाँ पे तीन रास्ते हैं, वहाँ से हम आए यहाँ पे जाओ तो ये कुछ पोड़ी है अंदर, और यहाँ पे है जैन देरा सरोवर जैन मंदिर, काफ़ी पुराना ये भी मंदिर है, अष्टपदी जी देरा सर है ये। ये भी हेरिटेज रूट में ही आता है। यह है अष्टपदी जी देरासर, जो कि 1856 में सेठ मगनलाल करमचंद ने बनाया था। यहाँ पे है उसकी एंट्री देरासर की। तो अभी आप सामने जो देख रहे हैं वो है हर कुंवर सेठाणी जी की हवेली। ये अहमदाबाद की लार्जेस्ट हवेली है। ये हवेली तकरीबन 160 ईयर ओल्ड है। यह है सेठाणी हर कुंवर जी की हवेली, काफ़ी बड़ी है ये हवेली। यहाँ से जाओ और आगे भी आती है दूसरी हवेली, और यहाँ पे है सीढ़ी जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। ये हवेली का जो आर्किटेक्ट है वो है इंडो चाइनीज संस्कृति में।